फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 12th T20 मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच होने वाला है मेलबर्न स्टार्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 23 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार मॉर्निंग 10 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। मैच खेली जाएगी जंक्शन ओवल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो जहां 5 मैच में 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो 5 मैच में 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो ये रहेगा दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं। तो लास्ट 10 मैचेज में देखें तो जहां पे मेलबर्न स्टार 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स 6 मैच जीत के आ रही है। तो ये नहीं दोनों टीमों के हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो मेलबर्न स्टार का 50% है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 70% है। स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 152 है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 158 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 273 है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 196 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार का 122 है, तो वहीं पर्थ स्कॉचर्स का 127 है। तो ये रहे दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी। तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 18.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 77% रहेगी। वहीं 13% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप पिच पे डिस्कस करते हैं कि आज के मैच में पिच कैसा होने वाला है। तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 180 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पसंद करेगी। इस पिच पे अभी तक टोटल 1 मैच खेल गए हैं, जो काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी। इस पिच पे अगर फर्स्ट मैच देखें तो फर्स्ट मैच काफ़ी अच्छा डिफेंड हुई है। तो गाइज, पिच काफ़ी ज़बरदस्त है, मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा दोनों के बीच में। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम काफ़ी एक दूसरे को अच्छे फाइट दे सकते हैं, काफ़ी मैच ज़बरदस्त हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी होगी। तो आप लोग जोर देखिएगा। बस का 12th T20 मैच है, इससे पहले 11 मैच खेले गए जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो आज का 12वां मैच होगा जो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मेलबर्न स्टार के की प्लेयर की बात करें तो निक लार्किन, थॉमस रॉगर्स, जॉय क्लर्क, ट्रेंट बोल्ट। वहीं दूसरी टीम पर्थ स्कॉचर्स के की प्लेयर की बात करें तो जॉश इंग्लिस, एस्टन टर्नर, एडम लीथ, एरन हार्डी। ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पर्थ स्कॉचर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जानने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।